सलातु वस्सलाम अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व अला आलिक व सहाबिक या सैयदी या खातमुन नबीन या रहमतुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं हक चैनल। सामने काम, जैसा कि आपको मालूम है कि हज़रत इलामा मौलाना खादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है। सबसे पहले तो हमें इसका ख्याल रखना है कि वहाँ का जो नज़्म व ज़ब्त है वो कायम और दायम रहे। वो सिर्फ हमारी वजह से रह सकता है, क्योंकि हम जब वहाँ पर आएँगे, हम सब जितने भी लोग हैं वहाँ पे बाबा जी की मोहब्बत में आएंगे, ऐसा ही है। तो जब आप उनकी मोहब्बत में वहाँ आएंगे, तो हमने सबसे पहले वहाँ ये ख्याल रखना है कि जब हम वहाँ पर एंटर होंगे, उस अहाता में एंटर होंगे, वहाँ पर सिक्योरिटी पे मेमोर लोग होंगे। जो सिक्योरिटी के हजार खड़े होंगे वो सिर्फ हमारी हिफाजत के लिए खड़े होंगे, तो ताकि वहाँ का नज़्म व ज़ब्त जो कायम रहे वो इसीलिए खड़े होंगे। तो हमें ये चाहिए कि सबसे पहले उनके साथ बड़े अच्छी खुश उसलूबी के साथ पेश आएँ, क्योंकि अक्सर दोस्त ऐसे होता है कि वहाँ पर जब ड्यूटी पर अपने मौजूद होते हैं तो देखने में अक्सर यही आया, क्योंकि पिछले साल भी उस पैसा हुआ कि बहुत सारे दोस्त जो लेट आए, क्योंकि कंटेनर के ऊपर जगह कम थी, तो जितने लोग पहले आ गए थे वो खड़े हो गए। तो गुजारिश ये है कि इसीलिए मरकज़ ने ये किया था कि मरकज़ ने पहले से अनाउंस कर दिया था कि जो यूट्यूबर्स हैं, वो जो सोशल मीडिया चैनल हैं, वो आके हमें फौरी मिले, वो अपना डाटा प्रोवाइड करें। तो हम लोगों ने, जिन लोगों ने अपना डाटा प्रोवाइड कर दिया, उनके मरकज़ ने उनकी आसानी के लिए, ताकि उनको कोई दुश्वारी पेश ना आए सिक्योरिटी के मामलों में, मरकज़ ने क्या किया कि मरकज़ ने उन्हें कार्ड फ्राहम कर दिए, उनके नाम के कार्ड बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना डाटा फ्राहम किया। ऐसे दोस्त जिन्होंने अपना बिल्कुल कोई डाटा नहीं प्रोवाइड किया, जो आए ही नहीं किसी किस्म की मीटिंग में, ज़ाहिर है वो भी वहाँ पर आएँगे, चूँकि आना तो सब ने है वहाँ पर, और सबकी ही चूँकि ड्यूटी है, ये फ़र्ज़ समझते हैं, हर बंदा अपना फ़र्ज़ समझता है कि वो वहाँ पर आके कवरेज करे इस उर्स मुबारक की, क्योंकि दीनी मुबारक होगा। तो ऐसे दोस्त जिन्होंने अपना कोई डाटा प्रोवाइड नहीं किया, जो बिल्कुल अभी नए होंगे वहाँ पे आने वाले, तो खुदाया कोशिश करें कि दूसरे चैनल्स को देख के, कि जो लोग कंटेनर पर खड़े होंगे उनको देख कर दिल बर्दाश्ता ना हो, सब्र और तहम्मुल से काम लीजिएगा, और सिक्योरिटी वालों को बाकायदा अपनी पूरी चेकिंग करा के जहाँ पर वो आपको मामूर करें आप वहाँ खड़े हो जाइएगा। तो इसी तरीके से होगा कि हम लोग आपस में बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ वहाँ पे जो कवरेज कर सकेंगे। मेरे पास यही कुछ चंद बातें थी जो मैंने आपसे करनी थी, ताकि मैं आपके गोशे गुजार कुछ बातों को कर जाऊँ। यही बातें थी ताकि वहाँ पर किसी किस्म के मामलात ख़राब ना हों, और क्योंकि लास्ट ईयर भी देखने में आया था कि वहाँ पर लोग झगड़ रहे थे, और देखें कितनी बुरी बात है झगड़ा करना, ख़ास तौर पर ऐसे हमारे हज़रत इलामा मौलाना खादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक हो, और फिर हम वहाँ पे लड़ते हैं और झगड़ते हो, तो कितनी बुरी बात है। ये कोई दूसरी जमातें नहीं है, ये TLP है, तरीके लबैक पाकिस्तान है, जो एक जिनका नज़रिया ही इस्लाम है। ठीक है, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि वहाँ पर हमने खुद ख्याल रखना है, वहाँ पर मिलजुल के हमने अपने भाइयों को जो देखना है, वो तो चूँकि हमने ही तहरीक के साथ चलना है, वहाँ पर जो लोग सिक्योरिटी पर मेमोर होंगे वो भी हमारे भाई होंगे, हम में से ही होंगे, तो लिहाजा हमने इन तमाम बातों को जो मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर आना है। तो मैंने बस कुछ यही बातें थी जो आपसे करनी थी, लिहाजा अगर मेरी बात का किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फलाने के बाद